बहुत सहे हैं हम गंगा, बहुत सहे। आपकी खुशी के लिए बहुत सा सिद्धांत से हम समझौता किए, आपका मुश्किल आसान बनाने के लिए हम बहुत झूठ बोले, लेकिन आप कभी हमें समझने का कोशिश ही नहीं की। आज भी हम जो कुछ कर रहे हैं ना गंगा, वो आपको बचाने के लिए कर रहे हैं। भले ही हम आपकी नजर में गिर जाएं, लेकिन हम आपको सफेद कपड़ा में नहीं देख सकते। हम आपको विधवा के रूप में नहीं देख सकते गंगा। फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चलिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। छोड़ो हमारा हाथ शिव, हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना, छोड़ो हमें शिव, हम कहीं नहीं जाएंगे शिव, हमें छोड़ दो प्लीज। चलिए शिव, तुम क्या कर रहे हो? हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, सुना तुमने? हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ शिव, प्लीज शिव, शिव हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ शिव, छोड़ो हमें शिव, प्लीज हमें जा। तुम जबरदस्ती हमें घर नहीं लेकर जा सकते हो, प्लीज हमें जाने दो, हमें छोड़ दो शिव, जो तुम कर रहे हो ना वो गलत है, सुना तुमने? देखो शिव, हमने तुम्हें गलत समझा, हमने तुम पे इल्जाम लगाया, उसके लिए हम सॉरी, प्लीज अब सब कुछ भूल जाओ ना, हमें जाने दो प्लीज। भूल जाए हैं गंगा, भूल जाना इतना आसान नहीं है। आप माफी किस बात का मांग रहे हैं? आप जो हमारा बारे में समझे बिल्कुल सही समझे, लेकिन गलती ये हो गया आपसे कि आपको समझने में थोड़ा देर हो गया। अब तो पंचायतों आपका सब जिम्मेदारी हमको दे दी है, अब देखिए हम कैसे मनमानी करते हैं, अब आपका जीवन का सारा फैसला हम लेंगे, अब देखिए क्या करते हैं हम आपके जीवन के साथ। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी मर्जी पे नहीं चलेंगे, समझे? सब आगे अच्छा हुआ राधिका यहां नहीं है, ये सब देखकर उसके मन को ठेस पहुंचता, कुछ दिन के लिए राधिका को एक घर से दूर भेजना होगा। रिया, राधिका कहां है? सो रही है कमरे में। राधिका का सामान बांधिए, कल हम उनको दिल्ली भिजवा रहे हैं। बुआ के घर चुपचाप खड़ी रही है यहाँ पर। कहाँ हुआ सिप बेटा, कहाँ थे तुम दोनों? हाँ, और तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? हम लोग की तो चिंता में पड़ गए। अरे का हाल बना रखा है अपना, क्या बात? अरे कोई तो कुछ तो बताओ हमको। चलिए अंदर। पागल हो गया तुम्हारा बेटा, दिमाग घूम गया शिव का। आज सही आपका दुनिया है। आ,
बोलो, तुम क्या समझते हो? तुम कुछ भी कहोगे हम मान लेंगे, डर जाएंगे हम तुमसे? नहीं जी, तुम गलत सोचते हो। हम इतने कमजोर नहीं है जो तुम्हारे इस घटिया बर्ताव से तुमसे घबरा कर डर जाएंगे, हार मान लेंगे। नहीं, हम इस कमरे में नहीं रहेंगे, बल्कि हम इस घर में ही रहेंगे। हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से। तुम देख लेना। आप ये सब करने के लिए हमको मजबूर काहे की हैं गंगा? दरवाजा खोलो सिर्फ, हमें जाना है। एक पल के लिए हमें अपने आप पर शक होने लगा था। हमें लगा कि हम तुम्हारे बारे में जो सोच रहे हैं वो गलत है, लेकिन तुम्हारी ये जबरदस्ती देखकर हम जान गए कि हमने जो सोचा था वही सही है। तुम ऐसे ही हो, घटिया इंसान हो तुम। आपको शायद पता नहीं है कि शिवजी गंगा को अपना चटा में रखे थे। हमारा नाम भी शिव है, इसलिए हम ई गंगा को तो संभाल ही लेंगे। हम तो पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी कोई कसर मत छोड़िएगा। फिर देखते हैं कि जीत किसका होता है। और एक बात हम आपको दावे से बता दें कि ये बार हम हारने वाले नहीं हैं। याद रखिएगा। सब लोग एक बात कान खोल कर सुन लो, ई दरवाजा कोनो नहीं खोलेगा, चाहे कुछ हो जाए, ई दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। अगर किसी ने दरवाजा खोलने का हिम्मत किया तो हम पूरा हवेली को जला देंगे। रात बहुत हो गया है, जाइए और सो जाइए आप सब लोग। भाई साहब, रिया शायद आप सुने नहीं हम आपसे क्या कहे थे। जाकर राधिका का सामान बांधिए, सुबह होते ही उन्हें दिल्ली छुड़वाना है। हम नहीं चाहते कि राधिका ये सब कुछ देखे। हम नहीं चाहते कि राधिका के मन में हमको और गंगा को लेकर कोनो बुरा धारणा बने। जाइए और तैयारी कीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? कोनो फायदा नहीं, झलक देखना चाहेंगे। सेवक जी, भाई साहब तुम चाहे कुछ भी कर लो शिव, हमें रोक नहीं सकते हो। ये 24 घंटा पहरा देना, दरवाजा बंद करके रखना, ये किसी काम का नहीं होगा। हम यहाँ से निकल जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गंगा,